अस्सलाम वालेकुम, कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने दो वीडियो से पहले बनाई हुई है इसी टॉपिक पर, तो अब फाइनली जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दुआएं रंग ले आई हैं। बैरून मुबालक पाकिस्तानी अब अपने साथ बग़ैर टैक्स के कितने मोबाइल ला सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको फ्री में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सही में मालूमाती वीडियोस रेगुलर हासिल होती रहें। तो दोस्तों, बैरून ममालिक पाकिस्तानियों को अपने साथ बिना टैक्स के अदायगी के दो मोबाइल फ़ोन अपने साथ लाने की इजाज़त मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने वज़ीर ममलकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर से दरख्वास्त की है कि मोबाइल फ़ोन पर टैक्स को कम से कम किया जाए और बग़ैर टैक्स के दो फ़ोन लाने की इजाज़त दी जाए। इसकी अगर आपको तफसीलात बताऊँ तो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए बैरून ममालिक से मंगवाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन पर टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत की जानब से ऐलान करदा पॉलिसी के मुताबिक अब बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वाले अफराद अपने साथ सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं और जिस पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वाले अफराद अपने साथ एक से ज़ायद जितने भी मोबाइल फ़ोन लाएंगे उन तमाम मोबाइल फ़ोन पर उनकी कीमतों के हिसाब से टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि जो लोग गैर मुल्की कंपनियों से मोबाइल फ़ोन मंगवाएंगे उन मोबाइल फ़ोन पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर आवाम ने शदीद रद्द अमल दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस पाबंदी में या तो नरमी की जाए या इस जबकि अब इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की जानब से रद्द अमल भी दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने वज़ीर ममलकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर से दरख्वास्त की है कि मोबाइल फ़ोन पर टैक्स को कम से कम किया जाए और बग़ैर टैक्स के दो फ़ोन लाने की इजाज़त तो दी जाए। जुल्फी बुखारी का कहना है कि उन्हें बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस नई पाबंदी में नरमी करने की दरख्वास्त की है, इसीलिए उन्होंने वज़ीर ममलकत बराए हम्माद अजहर से पाबंदी में नरमी करने की दरख्वास्त की है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको सही में नई आने वाली न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे।